हेलो एवरीवन, मैं हूं अकेले ऑलमोस्ट सोशल से, और इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करने वाला हूं आपकी इंस्टा स्टोरी को यहां से यहां लेके आने के लिए यूजिंग सम ऑफ द एप्लीकेशंस व्हिच आई यूज ऑलमोस्ट रेगुलरली। ये सभी एप्लीकेशंस जो मैं यूज करता हूं वो फ्री वाला जो वर्जन है वो मैं यूज करता हूं, कुछ में प्रीमियम कंटेंट भी है पर आई डोंट यूज इट। तो अगर आपको फ्री और पेड वाला कुछ प्रॉब्लम है तो क्लियरिंग इट राइट अवे, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। अगर हम बात करें इंस्टा स्टोरी क्रिएट करने वाले एप्लीकेशंस की, तो ऐसी एप्लीकेशंस की भरमार है, पर उन एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा रिलायबल, बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें, अच्छा रिजल्ट क्रिएट करने वाली जो एप्लीकेशंस हैं वो गिनी चुनी होगी। उन्हीं में से चार मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, पर अगर मैं आपको इन चार के अलावा और कुछ एप्लीकेशन जो काफ़ी अच्छी और कंसिडरेबल है के बारे में बताऊं, तो ऐसी कुछ एप्लीकेशन जो मेरे फिंगर टिप्स पे है वो है कट स्टोरी, पैटर्नेटर, इन स्टोरीज बाय टेजा, अ डिजाइन किट, इन शॉर्ट, मोजो, मोइतो या मोजीतो, ओवर, स्टोरी लक्स, कैनवा, विस्को, अडोबी स्पार्क, फिल्म, मेजिस्टो, लाइफ लैब्स, क्लिपोमैटिक, अनफोल्ड, स्टोरी बूस्ट और भी बहुत ज्यादा। मतलब मैंने आपको यहाँ पे फिंगर टिप्स पे ऑलमोस्ट 18 या 19 एप्लीकेशन बता दी। अगर आप चाहेंगे तो इन सभी एप्लीकेशन के लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो मुझे लगता है आप शायद डेफिनेटली चाहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है या पूरा देखने के बाद में यूजफुल लगता है तो प्लीज मेक श्योर आप एक लाइक जरूर छोड़ें इस वीडियो पे, क्योंकि जहां भी आप जाएं अगर आपने वहां पे अपने कदमों के निशान नहीं छोड़े हैं तो वहां जाने का पॉइंट ही क्या। तो इसीलिए अगर आपने वीडियो देखा है तो प्लीज मेक श्योर आप एक लाइक जरूर दे दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वेलकम, सुस्वागतम। मैं इसी तरीके से अमेजिंग इंस्टाग्राम फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और एडिटिंग रिलेटेड वीडियोस काफी रेगुलरली करना स्टार्ट कर दिया है, अब तो करता रहता हूं। तो अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिए, लाल वाला बटन आपको दबाना है, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। लेट मी जस्ट टॉक अबाउट द फर्स्ट एप्लीकेशन आई रेगुलरली यूज, जो कि है मोजो। मोजो आपको हेल्प करता है एनिमेटेड इंस्टा स्टोरीज क्रिएट करने के लिए। बाय द वे, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा किस तरीके की स्टोरीज मैंने रिसेंटली लास्ट वीक में शेयर करी है। काफी लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा कि मैंने कैसे क्रिएट करी, तो भाई साहब मैंने इसी एप्लीकेशन को यूज करके वो स्टोरीज क्रिएट करी थी, और आप भी कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री। तो आपको सिर्फ करना है इंस्टॉल कीजिए, आपके पास में कुछ टेम्पलेट होते हैं, सेलेक्ट कीजिए, अपने फोटो को वहां पे चूज कीजिए, एंड वाला यू विल एक्चुअली बी एबल टू डू एवरीथिंग। काफी इजी है, यूज कीजिए अभी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा है मोजीतो या फिर मोइतो। अब ये एप्लीकेशन भी सिमिलर टू मोजो है, जो आपको एनिमेटेड इंस्टा स्टोरीज क्रिएट करने के ऑप्शन देता है, पर दोनों में डिफरेंस ये है कि मोजो में बहुत ज्यादा सिलेक्टिव और बहुत ज्यादा प्रीमियम से आपको चीजें देखने को मिलती है जो काफी हद तक फ्री होती है, और मोजीतो है उसमें आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं जहां पे आप चूज कर पाते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में से। तो कहीं ना कहीं अगर मैं प्रिफर करूंगा दोनों में से तो आई थिंक समवे मोजीतो या मोइतो, अगर मुझे दोनों में से एक ही यूज करना है तो आई वुड यूज दैट, पर क्योंकि दोनों में कई वेरिएशन है तो इसलिए मैं दोनों यूज करता हूं। कमाल की बात यह है कि मोजीतो में आपको सिर्फ एनिमेटेड इंस्टा स्टोरीज ही नहीं, आप अगर नॉर्मल से फोटो वाली इंस्टा स्टोरीज भी क्रिएट करना चाहें यूजिंग अ लॉट ऑफ टेम्पलेट्स, यू कैन डू इट, आपके पास में वो ऑप्शन भी है। तीसरी अगर आपकी बात करूं जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, जिसके बारे में शायद आप लोगों में से काफी लोगों ने सुना होगा, वो है कैनवा। अब कैनवा क्या बला है, कैनवा वेबसाइट भी है, कैनवा ऐप भी है, क्योंकि कैनवा पे आप बाकी बहुत सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, पर मैं यहां पे बात कर रहा हूं सिर्फ इंस्टा स्टोरी की। आपके पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती है, आपके पास में बहुत ज्यादा टेम्पलेट होते हैं, आपको चूज करना है, टेक्स्ट ओवरले सेलेक्ट करना है, फोटो सेलेक्ट करना है, एंड देन डिपेंडिंग ऑन व्हाट एग्जैक्टली यू वुड नीड यू विल एक्चुअली बी एबल टू क्रिएट। चौथा ऐप जो मैं बहुत ही मतलब मैंने रिसेंटली इसको स्टार्ट करना यूज किया, क्योंकि मुझे लगता था शायद पहले तो शायद मुझे इसके बारे में सुना था पर मैंने यूज नहीं किया था, तो मुझे नहीं पता था ये कितना अमेजिंग है, जो कि है अडोबी का स्पार्क। अडोबी स्पार्क ये आपको ऑप्शन देता है बहुत ज्यादा टेक्स्ट के साथ में खेलने के लिए, फोटो के साथ में, लेआउट के साथ में खेलने के लिए, और काफी कस्टमाइज भी आप यहाँ पे चीजें कर सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट एग्जैक्टली यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर इंस्टा स्टोरी। तो अगर आप लोग अपनी इंस्टा स्टोरी को यहां से यहां लेके आना चाहते हैं तो इन चार एप्लीकेशन को अभी के अभी आप इंस्टॉल कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेट मत कीजिए क्योंकि फ्री है, कुछ नहीं जा रहा है, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू विल लव इट। अगर आप इन सभी में से कोई भी एप्लीकेशन को यूज करके कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, अपने इंस्टा स्टोरी में डालते हैं, प्लीज मेक श्योर यू आर टैगिंग मी @AkhilKhatri। आई वुड लव टू सी कि आप क्या क्रिएट करते हैं। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। पसंद आता है तो जाने के पहले लाइक, शेयर, कमेंट, कुछ सजेशन है, कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ भी, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, पुराने भी और सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना,
बस अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।